एट द एंड हमारे बोट का क्या हुआ, सुना दिखा दो। ये रहा तीनों बोट हमारा। बदमाश किया हम नहीं है किया। तुम नहीं की तो कौन, कोई आया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हो रही है घर के सारे फैन की क्लीनिंग, तो मैं जस्ट एज अ हेल्पर काम कर रही हूँ। वैशाली क्लीन कर रही है घर के फैंस को, तो बहुत ज़्यादा धूल हो रहा था और जितना यूज़ होता है ना उतना ही धूल बैठता जाता है और उसके बाद फिर ना हवा कम आती है फैन से। मैसिव क्लीनिंग के बाद अब हम जा रहे हैं छत पे। बहुत अच्छी बारिश हुई है तो हम जा रहे हैं छत पे। क्या करने, वो छत पर जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा सुनो, अरे बाबा रे, बुजुर्ग हो गई हूँ। इसमें गहरा होता है, देखना सुना देखकर। सो हम छत पे इसलिए आए हैं वाटर लॉगिंग का फायदा उठाने। अरे बाबा रे, मेरी उम्र हो चली है। सो हम यहाँ क्या करने आए हैं आशी, बताइए आशी क्या करने आए हैं? पॉपकॉर्न। ये है हमारे बोट आशी का, कौन तीन लोगों के लिए तीन बोट पे। आशी का बोट छेद वाला जो ये बात में करेगी हम पहले ही शीट हटा देते हैं। कहीं जाएगा नहीं लेकिन कहाँ जाएगा। शहर हमारा
एट द एंड हमारे बोट का क्या हुआ, सुना दिखा दो। ये रहा तीनों बोट हमारा, सुना बोट कहाँ है, बोट बोट क्या थी, बोट कहाँ है सुना, क्या थी, बदमाश की हम नहीं है किया, तुम नहीं की तो कौन, कोई आया था हाँ, कौन किया, बुआ की ये रहा हमारा बोट, हमारा टाइटैनिक डूब गया, हमारा टाइटैनिक डूब गया। सो हम आ चुके हैं ऊपर से और अब हम जा रहे हैं अचानक से सडनली छत पे। मेरा और वैशाली का प्लान बना गोलगप्पा खाने का, तो मैं जा रही हूँ उसका प्रिपरेशन करने, यानी कि आलू चढ़ाने और इमली को, लाइक पेस्ट नहीं है मेरे पास, पूरा इमली है तो उसको मैं पानी में डालूंगी हल्के गुनगुने पानी में ताकि उसका पल्प निकल आए, और जीरा वगैरह फ्राई करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं गोलगप्पा की तैयारी करती हूँ। सो गाइस, गोलगप्पे की रेसिपी पहले भी मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो की लिंक भी दे दूंगी। स्टिल मैं यहाँ पे भी शॉर्टकट में बता देती हूँ आप लोगों को। फुचका मेरे पास रेडीमेड है पैकेट वाला, तो सिर्फ जो तैयार करना है मुझे वो है उसका चोखा और पानी। तो चोखा के लिए ऑब्वियसली बात है कि मैं आलू चढ़ा लूँगी और जीरे को और लाल सूखे मिर्च को मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छे से तवे पे, उसके बाद उसे कूट लूँगी। और फिर पानी के लिए मैंने इमली यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी में डालकर रख दिया था, जिसका मैं पल्प थोड़ी देर में एक्सट्रैक्ट कर लूँगी सारा। और उसके बाद सारा खेल काला नमक और ये जो मैंने जीरा और लाल सूखे मिर्च का पाउडर बनाया था इसका है, तो मैं पानी में ये दोनों चीज़ डालकर थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डालूँगी, बस इतना सा ही पानी में लगता है चीज़, और उसके बाद पानी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट वाला। उसके बाद मैं इसी पानी को आलू में भी थोड़ा सा 6-7 चम्मच डालकर, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और प्याज डालकर, धनिया पत्ता डालना चाहते हो तो धनिया पत्ता, और थोड़ा सा सूखा पाउडर भी, ये वाला लाल मिर्च और जीरा वाला, ये चीज़ मैं डालकर आलू भी तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही इजी है, पानी पहले प्रिपेयर किया मैंने और उसी पानी को मैंने चोखे में भी यूज़ कर लिया, तो सेम फ्लेवर आ गया और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसा बनता है। तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से गोलगप्पा घर पर बना सकते हो बाहर जैसा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, ये एक फैमिली फन व्लॉग था, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे पूरे दिन साथ में टाइम स्पेंड करना और ऐसी मस्ती करना, और बच्चे के साथ कभी बच्चा बनना कितना अच्छा लगता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा छत पे जब मैं पानी में बोट डाल रही थी, शायद कभी बचपन में किया था ये। तो प्लीज़ साथ में बने रहना मेरे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।